अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूँ शेख अनायत। तो आज आपने थंबनेल जो देखा है, तो मेरे व्हाट्सएप पे तो इतने से मैसेज आ रहे हैं, ये पता नहीं किसी यूट्यूबर ने इसके बारे में कोई वीडियो बनाई है या कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ये कुछ मैसेज चला है या क्या मसला बना है कि तकरीबन अभी तक एक दिन में मेरे पास 250-300 मैसेज आ चुका है कि ये बताएं ऐसा कुछ है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा, तो आप इंशाल्लाह मेरी बात गौर से सुने और एंड तक मेरे साथ रहें। तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये ऐप ऐसी हैं या नहीं है, कोई व्हाट्सएप है या वेबसाइट है या नहीं है। मैं टोटल आपको तफसील के साथ ये मैं समझाऊंगा आज, तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम ऐप के बारे में कि ये सवाल हो रहा है कि कोई ऐप है ऐसी कि जो हमारा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे कर सके। तो जनाब, ये लाखों ऐप्स हैं जो आपको मिलेंगी कि आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आपसे पैसे लेंगे। तो ये मैं आपको तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेरे फ़ैन हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि जो मेरे चाहने वाले हैं उनके साथ कोई कुछ किसी किस्म का भी ऐसा काम हो कि जिसकी वजह से उनको परेशानी पेश आए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी हज़ारों क्या लाखों ऐसी ऐप्स हैं जिनके तरीके से आप वॉच टाइम ले सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर पूरे कर सकते हैं। तो इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज मैं इसलिए आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ कि भाईजान, ये मत ख़रीदें, ये मत ऐप्स के चक्कर में पड़ें। ये जो ऐप्स होती हैं आपको बेवकूफ़ इन्होंने बनाया हुआ है, ये सब फॉर सब का चक्कर है। ये कोई ऐप्स पैसे लेती है और भाग जाती है, आप फिर देखते रहते हैं कि हमारे पैसे किधर गए हैं। कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो आपको वॉच टाइम देती हैं लेकिन बाद में ड्रॉप हो जाता है, तो वो भी एक ही बात है। चाहे पैसे पहले लेके भाग जाएं या बाद में भाग जाएं, वो एक ही बात है। तो कुछ ऐप ऐसी हैं कि जो रियल काम करती है लेकिन वो भी रियल काम नहीं है। दो नंबर काम, दो नंबर ही है, सब फॉर सब दो नंबर है। जब ये यूट्यूब कह रहा है, आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सब फॉर सब का नई मजदूर है मुझे, तो फिर आप सब फॉर सब ना करें बराए मेहरबानी। ये जो दो नंबर तरीके से आप अपना चैनल आगे बढ़ाना चाहते हैं, इतनी आप मेहनत करें अपने चैनल पे, अपनी वीडियोस पे अपनी फोकस करें, अपनी वीडियोस में जान डालें कि आपकी वीडियोस देखने के लिए हर आपका फैन आपकी वीडियो का इंतज़ार करें, ऐसी जान डालें। तो वेबसाइट भी है ऐसी जो आप खोलेंगे, उसमें आप अपना कार्ड अपना पैसे इंटर करेंगे, बाद में आपको जवाब नहीं आएगा। तो फिर आप कॉल करते हैं, भाई जान फलां वेबसाइट थी वो हमसे पैसे लेकर भाग गया, फलां आदमी था आपने उसको पैसे दिए, हमारा वॉच टाइम ड्रॉप हो गया। तो फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है, अगर एक मिसाल है आज आपने चैनल बनाया, तो कम से कम एक साल YouTube ने आपको मौका दिया उसको अपनी मेहनत करने का, उसको मेहनत करें आगे बढ़ाएं। तो आप देखें कि 4000 घंटा YouTube ने कहा कि पूरा करना है, 4000 घंटे को मिनटों में तकसीम करें, मिनटों को फिर बाद में दिनों में तकसीम करें, एक दिन के कितने मिनट बनते हैं। तो अपने उतने मिनट की वीडियोस या उतने तकरीबन 60 मिनट, अगर मैं एक अंदाजे से कह रहा हूँ, अगर 60 मिनट एक घंटा बनता है रोज़ाना का, तो आप मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं इतने मैसेज आ रहे थे
तो मैं इसलिए वीडियो बनाने आ गया हूँ। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो मैं मुख्तसर से वीडियो बनाऊँगा, इतनी लंबी नहीं करूँगा क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ, अगर रोज़ाना का एक घंटा बनता है, आप तकसीम करते हैं तो एक घंटे में 60 मिनट आते हैं, तो आप 10-10 मिनट की 6 वीडियो रोज़ाना की अपलोड किया करें। अगर आपको एक व्यूज मिलेगा, एक आदमी भी आपकी 6 वीडियोस देखेगा, तो आपका एक घंटा बन जाएगा। तो ऐसा सब्सक्राइबर लेकर आए जो आपको देखे, आपका फाइन हो, चाहे एक या दो क्यों ना लेके आए, उतनी बड़ी वीडियो आप बना लें, उतनी ज़्यादा वीडियो आप बना लें। तो थोड़ा मेहनत करें, अगर मेहनत करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। तो किसी ऐप या किसी भी वेबसाइट के चक्कर में ना पड़ें, आप मेहनत से काम लें। तो मेरा अभी गला इतनी इजाज़त नहीं दे रहा, कुछ बातें जो रह गई हैं, मैं तो चाहता हूँ मैं आपको समझाऊँ, एक ही मरतबा आपको समझाऊँ, लेकिन कुछ वीडियोस लंबी हो जाती हैं, कुछ और भी ऐसे वजूहात होती हैं जो जिसकी वजह से मैं इतनी देर में बोल नहीं सकता। तो जो मेरा फ़ैन है, मैं एंड पे ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा फ़ैन है मुझ पे यकीन रखता है, मेरा सब्सक्राइबर है, वो वॉच टाइम ना कभी ख़रीदेगा और ना ही इन वेबसाइट या इन ऐप्स के चक्कर में पड़ेगा और ना ही सब फॉर सब में जाने की कोशिश करेगा। मेहनत करो, तो मेहनत से इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला सब्र करने वाले को और मेहनत करने वाले को फल ज़रूर देता है। जो यूट्यूबर है उसको अपना दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो देखने से पहले ही जब कोई डिसलाइक कर देता है तो आपको परेशानी तो होती होगी, लेकिन परेशान नहीं होना है, अपना दिल बड़ा करना है, आपको अपने आप को संभालना है और अपने आप को हौसला देना है। तो हिम्मत नहीं हारनी, तो आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तो ना ही किसी ऐप के चक्कर में पड़े, ना ही किसी सॉफ्टवेयर के चक्कर में पड़े, ना ही किसी वेबसाइट के चक्कर में पड़े, किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई जान, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें। तो रोज़ाना का एक भी आपको सब्सक्राइबर मिल जाए तो वो ही आपको काफ़ी है, लाइफ टाइम वाला मिल जाए, देखने वाला मिल जाए। ये नहीं कि आपने फेक आईडीज़ 1000 बनाई हुई हैं, वो सब्सक्राइबर आपको कर दे लेकिन देखे वो ना, तो उसका आपको नुकसान है। बाद में आपका चैनल अगर मोनिटाइज हो भी जाता है, यार ये समझ लो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है, तो जो फेक आईडीज़ हैं वो आपको देखेंगे नहीं, तो आपकी अर्निंग कहाँ से आएगी? एक साल में $10 कमा लोगे तो $10 कहाँ लेके जाओगे? यार मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर मेरे साथ जुड़े हो, अगर मेरी बातों को सुन रहे हो तो इससे कुछ सीखो, अपने आप में हिम्मत पैदा करो और मेहनत करो, दिल लगा कर मेहनत करो। ऐप्स में कुछ भी नहीं है, सब आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐप्स वाले ऐप बनाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद पैसा कमाते हैं और टांगा दुड़ा लेते हैं। तो आप लोग हैं वो पागल बने हुए हैं, कभी किसी ऐप के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी व्हाट्सएप के वेबसाइट के पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी सॉफ्टवेयर के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो यूट्यूब मना कर रहा है तो आप क्यों वो कर रहे हैं? अगर यूट्यूब मना कर रहा है तो आप वो कर रहे हैं, तो वो तकरीबन 100 में से अगर 10 चैनल ऐसे मोनिटाइज हो भी जाते हैं तो बाद में अर्निंग नहीं होती, तो ऐसा काम करने का क्या फ़ायदा? दो नंबर काम दो नंबर ही है। तो मेरी वीडियो फिर भी बहुत लंबी हो गया, तो मैं इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, और फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो इन चक्रों में ना पड़िएगा, मैं फिर एक बार आपको कहता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो।